संजीव कौशल जी कहां पहुंच गए आप, गंगा स्नान कराने लगे। गंगा स्नान करने से राजनीति आती होती तो गंगा मैया कब के साथ। अरे सर क्या कौशल जी, आप अपने शब्द वापस लीजिए। आप गंगा की महत्व को देखिए, इंदिरा गांधी ने यह बोला था कि कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता सिवाय कांग्रेसियों के। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी को, मिश्रा जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि कांग्रेस पार्टी को यदि कोई हरा पाएगा तो कांग्रेस ही हराएंगे। देखिए मैंने एक चीज बोला है, मैं हमेशा बोलता हूँ, मैनेजिंग द इंडियन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया दूसरी चीज है और भारत की राजनीति को समझना दूसरी चीज है। आप लोग कम्युनिकेशन का हजारों साल से इतना इंपॉर्टेंस रहा है पॉलिटिक्स में, संवाद का, डायलॉग डिलीवरी का, कि आदमी को, नेताओं को बड़ा दक्ष होना चाहिए, उसमें सबसे बड़ी कमी है। जितने विपक्ष के लोग हैं इन लोगों को यह पता नहीं, देखिए इन लोगों ने हिंदी तो पढ़ी नहीं है, सब कॉन्वेंट एजुकेटेड हैं, तो इनको पता ही नहीं, हिंदी मेन भाषा है संवाद का, तो इनको पता ही नहीं क्या बोलेंगे तो उसका अर्थ क्या निकलेगा, पब्लिक क्या देखेगी। राजनीति में एक चीज आप समझ लीजिए, आपके राइवल की कोई मजबूती नहीं होती है सर, आपकी कमजोरी आपके राइवल की, आपके विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत होती है। और यही चीज उभर के समझ यहां पे आ रही है कि विपक्ष हर तरीके से, नंबर वन तरीका यह है जिसमें सबसे ज्यादा वो कमजोर है, वो है संवाद, डायलॉग डिलीवरी, स्ट्रेटजिक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। आप किसी को देखिए, ममता बनर्जी को देखिए, मणिशंकर अय्यर को देखिए। मगर सवाल यही है कि इन तमाम चीजों के बीच में ये क्या कांग्रेस के समझ में नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, इतनी बड़ी भाई, पुरानी पार्टी होकर नहीं। देखिए होता क्या है, लीडरशिप चेंज हो गई, ये समझ में आने वाली चीज बहुत कुछ हद तक राजीव गांधी तक बची हुई थी, अब ये चेंज क्यों हो गई? ये नए जो नेता कांग्रेस या विपक्ष में आए हैं, सब एसी में पैदा हुए, हेलीकॉप्टर से पढ़ने गए, किसी ने हार्वर्ड से डिग्री ली है, ये कभी गंगा नहाने गए नहीं, भारत के नदी स्थितियों को समझ नहीं पा रहे इनको, मगर इसीलिए समझ नहीं रहे, थोड़ा और विस्तार देना चाहूंगा। समझते हैं जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा होगी, क्या अस्तित्व की लड़ाई में बच पाएगी कांग्रेस पार्टी, क्या तय नहीं है कांग्रेस का भविष्य, और तीसरा अहम सवाल, कौन होगा कांग्रेस का नया चेहरा, क्या प्रियंका गांधी वाड्रा है उम्मीद की आखिरी किरण, तो फिर राहुल गांधी ने क्यों कहा था कि कोई नेहरू गांधी परिवार से नहीं होगा, कहां गायब हो जाते हैं रणछोड़ राहुल। तो और हमारे दूसरे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर है एके मिश्रा जी, आप सभी लोगों का शुक्रिया के साथ में स्वागत है। मिश्रा जी, एके मिश्रा साहब, मैं आपको दो तीन चीजें यहाँ पे बहुत क्लियर, ना बीजेपी ना कांग्रेस का पक्ष। पहली चीज है वो ये शायद बोल रहे थे कि भाई कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे राहुल गांधी जी, उन्होंने अध्यक्ष पद जो है छोड़ दिया, तो उनका ये कहना था कि भाई इनको अध्यक्ष पद नहीं छोड़ना चाहिए। आप ही के टीवी डिबेट में मैंने एक चीज बोला था कि इंदिरा गांधी ने पहले बोला था, उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने भी कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी हमें छोड़ करके चले गए। सर जो दो लाइन मैंने सुनी, ठीक है, मैं केवल उसी की बात कर रहा हूँ, मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ कि वो कांग्रेस, सर मैं आपको ये अपडेट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी हमें छोड़ गए। अपडेटेशन मैं कोई नहीं मानूंगा, जो आपके उसमें अभी दो लाइन मुझे सुनाई थी मैं उसी को मानूंगा। लेट मी अलाउ टू फिनिश। अरे सर अभी उज्जवल त्रिपाठी जी, अरुण त्रिपाठी जी, अभी जब बोलना था तो आपने बोला ना, अब आप सुनिए। देखिए इंदिरा गांधी ने ये बोला था कि कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता सिवाय कांग्रेसियों के। देखिए इंदिरा गांधी ने ये बोला था कि कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता सिवाय कांग्रेसियों के। जब्बार जी आपके साथ ही मैंने डिबेट में बोला था। फैक्ट क्या है? फैक्ट यही है, स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन क्या होता है, एक कॉमा, आपने किस चीज को किस भावना के साथ कैसे बोला, आप क्या कहना चाहते हैं, वो एक दूसरी चीज है। ओपन फाइट है, आपका प्रतिद्वंदी जो भी पार्टी है वो उसको किस तरीके से लेती है, कैसे उछालती है, ये दूसरी चीज है। ये कांग्रेस के अंदर स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन की बहुत बड़ी कमी आ गई है। और मैं वही वर्ड फिर रिपीट करूंगा कि इंडिया की पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया कांग्रेस वाले अच्छे से समझ रहे हैं, लेकिन भारत की राजनीति इनको समझ में नहीं आती है। इसके कारण
वही चीजें हैं। देखिए इसके पहले भी जो कांग्रेस के नेताओं ने बोला, तो वही स्टेटमेंट तो मैं बोल रहा हूँ ना जो इंदिरा गांधी ने बोला था कि कांग्रेस को केवल कांग्रेस ही हरा सकता क्या मौजूदा वक्त में, क्या मौजूदा वक्त में अरुण त्रिपाठी जी मौजूदा वक्त में क्या कांग्रेस पार्टी के नेता ही कांग्रेस को हरा रहे? इंदिरा गांधी ने जो बोला, क्या इंदिरा गांधी की उस वक्त की कही गई बात आज सच साबित हो रही है? क्या जो एक पूरा सिंडिकेट था आज सिंडिकेट वोट से सिंडिकेट हो चुका है? देखिए क्या 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 बोले आप, क्या कांग्रेस पार्टी के नेता ही लास्ट लाइन सुन नहीं पाया क्या बोले सर? क्या कांग्रेस पार्टी का या अंतर्कलह या सरफुटवल या कांग्रेस पार्टी के नेता ही कांग्रेस को हरा रहे हैं जैसा कि इंदिरा जी ने कभी कहा था? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जब परिवार बड़ा होता है तो तनाव थोड़े बहुत उसमें होते हैं। अरे कैसा परिवार बड़ा हो रहा है सर? आज मैं आपको बताऊं ये कहावत, अरे मिश्रा जी, अरे मिश्रा जी को बोलिएगा शांत रहेंगे, हम इनको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। सर आप उस बिंदु पे बात नहीं कर रहे हैं ना, इसलिए इसलिए उस बिंदु पे बात कीजिए ना सर। मैं उसी बिंदु पे बात कर रहा हूँ, आप सुनिए सुनिए सुनिए, वही उसी बिंदु पे आ रहा हूँ कि ये कहावत भी है कि दोस्त ऐसा दोस्त होना चाहिए जो दूसरे दोस्त की बुराई बताए, ठीक है ना। तो हो सकता है अगर हमारे अंदर कोई कमियां रही होगी या हमारे संगठन में कोई कमी होगी तो वो हमारे नेतागण पटल पे आके बोल रहे हैं, उसको हम अपना ठीक करेंगे। लेकिन ये कहना कि हमारे नेता छोड़ के भाग गए, अरे राहुल जी अध्यक्ष पद से बोले कि हम स्वीकार नहीं करेंगे, अध्यक्ष पद से उन्होंने हटा। इस हरियाणा और महाराष्ट्र में प्रचार कर रहे हैं राहुल जी, कोई नेता मोदी सरकार से लड़ रहा है? आपके नेता कहाँ है? आपके नेता है कहाँ? आपके नेता है कहाँ सर? एक एक्टिव लीडर का मतलब होता है टॉप टू बॉटम, कि वो कागज पे भी है, वो चयनित भी है, वो मनोनीत भी हुआ है और ग्राउंड लेवल पे फ्रंट पे जाके अपने कार्यकर्ता मुझे लगता है अरुण त्रिपाठी जी आप सोचिए जरा सा। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी को, मिश्रा जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि कांग्रेस पार्टी को यदि कोई हरा पाएगा तो कांग्रेस ही हराएंगे। एक मिश्रा जी रिस्पॉन्ड कीजिएगा, ठीक है सर? नहीं हरीश जी, आपको पूरी फ्रीडम मिली है मीडिया पे बोलने के लिए जैसे हम लोग बोल रहे हैं, अब क्या समर्थन आपको चाहिए सर? आप अपने आप को जो विपक्षी पार्टियां हैं, देखिए मैंने एक चीज बोला है, मैं हमेशा बोलता हूँ, मैनेजिंग द इंडियन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया दूसरी चीज है और भारत की राजनीति को समझना दूसरी चीज है। देखिए मैंने एक चीज बोला है, मैं हमेशा बोलता हूँ, मैनेजिंग द इंडियन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया दूसरी चीज है और भारत की राजनीति को समझना दूसरी चीज है। आप लोग कम्युनिकेशन का हजारों साल से इतना इंपॉर्टेंस रहा है पॉलिटिक्स में, संवाद का, डायलॉग डिलीवरी का, कि आदमी को, नेताओं को बड़ा दक्ष होना चाहिए, उसमें सबसे बड़ी कमी है जितने विपक्ष के लोग हैं। इन लोगों को यह पता नहीं, देखिए इन लोगों ने हिंदी तो पढ़ी नहीं है, सब कॉन्वेंट एजुकेटेड हैं, तो इनको पता ही नहीं, हिंदी मेन भाषा है संवाद का, तो इनको पता ही नहीं क्या बोलेंगे तो उसका अर्थ क्या निकलेगा, पब्लिक क्या देखेगी, यही एक रीजन है। अब देखिए मैं यही पे एक केस स्टडी ले लीजिए, अभी थोड़ी देर पहले हमारे उप मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी जुड़े हुए थे, वो ये बोल रहे थे कि भाई कांग्रेस क्या कर रही है, हमें मतलब नहीं, हम अपने आप को मजबूत करते हैं। अब देखिए है क्या, 2014 से बीजेपी मजबूत कैसे हुई है, दिन रात कांग्रेस कांग्रेस करके, कांग्रेस मुक्त भारत करके, तो बीजेपी तो प्रहार ही कर रही है कांग्रेस पे प्लस अपने अपने उनके जो अलायंसेस है यानी जो अपोजिशन है। राजनीति में एक चीज आप समझ लीजिए, आपके राइवल की कोई मजबूती नहीं होती है सर, आपकी कमजोरी आपके राइवल की, आपके विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत होती है। राजनीति में एक चीज आप समझ लीजिए, आपके राइवल की कोई मजबूती नहीं होती है सर, आपकी कमजोरी आपके राइवल की, आपके विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत होती है। और यही चीज उभर के समझ यहां पे आ रही है कि विपक्ष हर तरीके से, नंबर वन तरीका यह है जिसमें सबसे ज्यादा वो कमजोर है, वो है संवाद, डायलॉग डिलीवरी, स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। आप किसी को देखिए, ममता बनर्जी को देखिए, मणिशंकर अय्यर को देखिए। मगर सवाल यही है कि इन तमाम चीजों के बीच में ये क्या कांग्रेस के समझ में नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, इतनी बड़ी भाई, पुरानी पार्टी होकर नहीं। देखिए होता क्या है, लीडरशिप चेंज हो गई, ये समझ में आने वाली चीज बहुत कुछ हद तक राजीव गांधी तक बची हुई थी, अब ये चेंज क्यों हो गई? ये नए जो नेता कांग्रेस या विपक्ष में आए हैं, सब एसी में पैदा हुए, हेलीकॉप्टर से पढ़ने गए, किसी ने हार्वर्ड से डिग्री ली है,
ये कभी गंगा नहाने गए नहीं, भारत के नदी स्थितियों को समझ नहीं पा रहे इनको, मगर इसीलिए समझ नहीं रहे। थोड़ा और विस्तार देना चाहूंगा। संजीव कौशिक जी कहां पहुंच गए आप, गंगा स्नान कराने लगे। गंगा स्नान करने से राजनीति आती होती तो गंगा भैया कब के अरे सर क्या कौशिक जी आप क्या बोल रहे हैं। 2014 में मोदी जी ने तिलक लगा के गंगा स्नान किया, वो आदमी प्राइम मिनिस्टर बन गया। अरे मिश्रा जी इन लोगों ने वोट दिया था ना, मां गंगा का केवल नाम लेने से प्राइम मिनिस्टर बन गए। इन लोगों को देश की जनता ने चुन के ही वोट दिया था, क्या बन जाएंगे शासन। भारत की राजनीति समझिए सर, यहाँ के सिद्धांतों को आप गंगा के राम के विरोध में बोल करके कुछ नहीं। छह साल पहले इन्हीं लोगों को ये बोल रहा हूँ, कहाँ से आए थे आप, यहाँ से आए थे भारत और भारत के सिद्धांतों को समझिए। छह सालों में करना चाहूंगा दिखाई दिया करनी है ना, कि केवल सरकार बदलने के बाद चीज को समझा, मजबूर हुई उन्होंने गंगा की यात्रा की। आप अपने शब्द वापस लीजिए, आप गंगा की महत्व को, आप अपने शब्द वापस लीजिए, आप गंगा की महत्व को हर क्षेत्र में जीने से लेकर मरने तक इवन राजनीति में भी गंगा के नाम पे। तो आपके मंत्री जल समाधि लेने जा रही थी, कहां चली गई वो गंगा की सफाई के नाम पे समाधि लेने जा रही गंगा थी। आप बताइए ना कौन से, वो आप दिग्विजय सिंह की बात कर रहे हैं क्या? दिग्विजय सिंह की बात कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा किसकी बात कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह की बात कर रहे हैं, उमा भारती की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, आप खूब समझ रहे हैं। अरे मैं साफ नहीं कर पाई गंगा को, नहीं कर पाई तो मैं इसी में समाधि ले लूं। भारत तो भले ही कुछ हो गया हो, भारत के सिद्धांत आज भी वही है जो हजारों साल पहले थे। आप हमारे ऊपर गंगा के नाम पे राजनीति की बात करते हैं। भारत के सिद्धांत के विरोध में जाके कोई पार्टी नहीं जीत सकती है। 6 साल पहले इस देश में विपक्ष की यही कमजोरी है। लगातार 10 साल किसने शासन किया था इस देश में? जितने लोग चले यही के लोगों ने वोट दिया था ना। अरे मैं बता, जब ये राम के विरोध में जब ये इंडिया के ऊपर बोलने लगे और भारत को छोड़ दिया, ठीक तो भारत की जनता मगर संजीव कौशिक जी, मगर संजीव कौशिक जी, संजीव कौशिक जी तो भारत की, संजीव कौशिक जी सवाल तो ये भी है ना, एक मिश्रा जी मैं आ रहा हूं आपकी तरफ, ठीक है ठीक है। संजीव कौशिक जी, जब पार्टी का अस्तित्व एक तरीके से लगभग लगभग खत्म जैसा दिखने लग जाए, तो क्या ऐसे में सलमान खुर्शीद जैसे लोगों का ये बयान, भले ही वो इमोशनल ग्राउंड पर क्यों ना दिया गया हो, क्या ये पार्टी के लिए एक सेटबैक नहीं होगा? तो क्या ये ठीक है ऐसे वक्त में जब चुनाव सर पर हो, चुनाव के अंदर आपकी पार्टी जा रही हो? खान साहब, मैंने शुरू में ही कहा कि ऐसे लोगों की कमी नहीं है कांग्रेस में, कांग्रेस पार्टी में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो खुद अपने पांव पे, तो ऐसे लोगों की जगह कब तक रहेगी? हरीश भारद्वाज जी कह रहा हूं कि उनको आत्मंथन की जरूरत है। हरीश भारद्वाज जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, उनसे ले लेते हैं, कर देंगे, दोबारा वापस नहीं होंगे। हरीश भारद्वाज जी और जगत जननी है, लेकिन मुद्दे दूसरे हैं। दरअसल क्या है कि जो मूल मुद्दे हैं, इस प्रकार के लोग ही मूल, अरे सर सुनिए सुनिए सर, सर क्या क्या एंटनी रिपोर्ट 2014 के, सर 2014 सर 2014 के हार के बाद में एक रिपोर्ट नहीं आई कि आप मुस्लिम सॉफ्ट हो गए थे चुनाव के अंदर, या उससे पहले की रिपोर्ट है, या उससे पहले की रिपोर्ट है? इसलिए आपने, मैं आपको बताता हूं सर, आप ऐसे ही भारत, भारत की भावना और भारत की संस्कृति के खिलाफ बोलते रहिए और बीजेपी को आप पॉलिटिकल अमृत तो देते रहिए। मेरी मेरी शुभकामनाएं हैं, आप बोलते रहिए भारतीय संस्कृति के खिलाफ, ठीक है, बोलने का मौका नहीं दे रहे। सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं आपसे, अरे जनता भी आपको मौका नहीं दे रही है, आपको तो कहीं मौका नहीं, आपके पार्टी के नेता ही आपको मौका नहीं दे रहे हैं बोलने के लिए। भारद्वाज जी रखिए अपनी बात, फॉर द पार्टी बाय द पार्टी। जब्बार जी क्या इस समस्या के इर्द गिर्द ही सारी चीजें नहीं जुड़ी? जब्बार जी आप एक चीज देखिए, बीजेपी फॉर द मोदी बाय द मोदी हो गई है। अरे ठीक है सर, कामयाब तो है सर ना, वो कामयाब तो है ना, इस चीज को आप भी होइए ना कामयाब, बुराइयां हैं लेकिन आप विपक्ष के लोग जब उसको इनकैश नहीं कर पा रहे हो, कमी आपकी है। जब्बार जी आपके डिबेट में ये चीज क्लियर हो गई है, आप चुनाव लड़ोगे भारत में और अगर अमेरिकन या वेटिकन या सऊदी अरब के कॉन्सेप्ट के उसमें वोट मांगोगे, आप जीतोगे, आपका मैच होगा नहीं होगा, इन लोगों को समझ में ही नहीं आता है। राफेल की अगर पूजा हो रही है, वो हमने भी टैक्स दिया है, हम 20,000 की स्कूटी खरीदते हैं, किसी भी धर्म में लोग पूजा करते हैं, उसमें कटाक्ष करने की क्या जरूरत है? अरे राफेल आएगा तो 120 करोड़ लोगों की सुरक्षा होगी,
आप लोग विपक्ष के लोग जब बाहर चीजों में बोला स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की कमी है। और एक चीज क्या एक मिश्रा जी और दोनों लोगों से मैं जवाब लूंगा, संजीव कौशिक जी और एक मिश्रा जी, मैं आप दोनों लोगों से समझना चाह रहा हूँ, क्या ये फॉर द सर फुट ओवर क्लियरली कि एक पत्रकार का ये धर्म है, क्योंकि मैं भी पत्रकार ही हूँ, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, मुझे पता है कि पत्रकार का धर्म सिर्फ क्वेश्चन करना किसी भी तरह का। अरे साधना जी आप मुझे मेरा कर्तव्य धर्म मत सिखाइए ना, सवाल का जवाब दीजिए, आज आप एक नेता की भूमिका में है, सवाल कीजिए ना सर, प्लीज आस्क मी द क्वेश्चन। तो दोनों राज्यों में आपकी पार्टी कहाँ है, सिर्फ सरपटोल के अलावा क्या है साधना जी, महाराष्ट्र और हरियाणा में क्या कहाँ है, राहुल गांधी प्रचार कर रहे हैं, कौन प्रचार कर रहा है वहाँ पर? अरे तो यार लेट मी अलाउ टू आस्क द क्वेश्चन टू साधना मैम, अरे वो प्रचार नहीं कर रहे तो ऐसा कहीं नहीं लगा उनका आना आवश्यक है, लेकिन बाकी का पार्टी का प्रचार चल रहा है, मैं खुद महाराष्ट्र जा रही हूँ, हरियाणा जा रही हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि आप ये कह देंगे कि पार्टी कहीं नहीं। आप टेम्पर लूज कर रही है मैडम, मैडम आप गैर जरूरी जगह पर मुझे आपको बोला ना कि पत्रकार है आप जो है केवल सवाल उठाइए, अभी एक सवाल आपके नेता ने उठाया था, हड़कंप मचा हुआ है, तो आप ये मत बताइए कि पत्रकार का रोल केवल सवाल उठाना नहीं है, एनालिसिस करना भी होता है और समाज को हर चीज अच्छे तरीके से दिखाना होता है। राजनीतिक विश्लेषक है, and you are putting question to us here, suniye aapke chillane se aapki awaaz are mai aap aise hi karte rahiye apne vipaksh ko mazboot banate rahiye aise bhagwan kare aap log aise hi question aur aise hi samman dialogue deliver karte rahiye and let your rival be more and more powerful against you, आप दिखाते रहिए अपना स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन निगेटिव स्किल दिखाते रहिए और आपके जितने राइवल हैं मजबूत बनते हैं। मुझे लगता है कि अब कार्यक्रम का वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है और मुझे इसी नोट पर इस कार्यक्रम को यहाँ पर विराम लगाना पड़ेगा। साधना भारती जी किसी और चर्चा में आपके साथ बैठ करके बातें होंगी, चर्चा होंगी आपसे।